जबलपुर आरक्षक भर्ती परीक्षा के तार अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हैं। रांची पुलिस की गिरफ्त में आए मुन्ना भाइयों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ। जबलपुर पुलिस की 6वीं बटालियन में जारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में पकड़े गए दो मुन्ना भाइयों के तार अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ने का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश से संचालित गिरोह के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने की जिम्मेदारी लाखों रुपए लेकर दी जाती है। गिरोह उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी सक्रिय है और अब तक उनके द्वारा विभिन्न राज्यों में आयोजित परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा कर कई लोगों को नौकरियां दिलवाई गई हैं। अभी तक हम लोगों को जो प्रथम दृष्टया हम लोग को कल दो आरोपी मिले हैं, जिसमें योगेश के स्थान पर वो जो पांडे है वो बैठ रहा था, और जब इनसे चर्चा हुई है तो इन्होंने 10-12 नाम और बताए, बल्कि पूरे गैंग का नाम इन्होंने बताया है जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली से गैंग संचालित होता है। तो उन नामों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, 5 सालों में ऐसा है कि सैकड़ों उम्मीदवारों को पास कराया, ऐसी बात नहीं सामने आ रही? नहीं, अभी अभी ऐसी बात हम लोग के सामने तो नहीं आई। 5 वर्षों से गैंग ऑपरेटिव है, अभी धीरे धीरे पूछताछ अभी चालू है, अभी बड़ी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिली है। सर, कितना गंभीर है पूरा? नहीं, गंभीर तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अभी इसी बार में इन्होंने करीब 3-4 लोगों की खबर तो इसी एग्जाम की हमको मिल चुकी है, तो उनको भी पकड़ेगी पुलिस। उनसे इनका कोई लिंक नहीं है अभी, नहीं अभी कोई लिंक। ऐसा भी सर बातें सामने आई है, कुछ नाम लिए हैं जो इन सर्विस है उनकी, इस गैंग की मदद लेकर? हाँ, 2 लोगों के ऐसे नाम हम लोग के पास आए हैं, अभी उनको पकड़ेंगे। जबलपुर भोपाल में पोस्टेड है ऐसे लोग? जबलपुर के नहीं, भोपाल के। इन्वेस्टिगेशन जी, कितना बड़ा ये नेक्सस हो सकता है सर, क्या लग रहा है? नहीं, बड़ा है नेक्सस, निश्चित रूप से बड़ा है, क्योंकि अभी तो ये प्राथमिक पूछताछ है जिसमें इतने नाम खुल गए हैं। अभी जब धीरे धीरे उसकी परतें और खुलेंगी, दूसरे आरोपी मिलेंगे, तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग में फिर और भी बातें आएंगी। अब किस तरह से जांच आगे बढ़ा रहे हैं, किन बारे में? इसका अभी तक इन्वेस्टिगेशन एक सब इंस्पेक्टर कर रहे थे, उसको हमने TI को ट्रांसफर कर दिया है, और अभी इसमें बाकायदा एक टीम बना करके इसमें आगे बढ़ेगी।